इंदौर पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का 11 सितंबर को गली में रहने वाले आरोपी ने एक महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उस पर इनाम घोषित किया। बाद में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी सुरेश को भागीरथ पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। थाना परदेशीपुरा में दिनांक 11 सितंबर को एक 47 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट लेकर कराई कि आरोपी सुरेश पिता कन्हैयालाल गोखरेले लाल गली द्वारा उसके साथ रात्रि में जब वो सो रही थी तो घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और किसी को न बताने के लिए जान से मारने की धमकी दी है। उस पर रिपोर्ट प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उस रिपोर्ट पर इसको आज घेराबंदी कर पकड़ा गया है और उसको प्रकरण में गिरफ्तार कर किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय पेश किया गया। थाना परदेशीपुरा में दिनांक 11 मध्य प्रदेश के शाजापुर में प्रेमिका को भगा ले जाना एक मुस्लिम युवक को भारी पड़ गया। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने युवक को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। 16 सितंबर को युवक अपनी प्रेमिका को भगा ले गया। प्रेमिका को भगाकर ले जाने के लिए उसने मोबाइल दुकान से पर्स चोरी किया था, जिसमें 15,000 रूपए थे। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया था, जहां बाद में साइबर सेल की मदद से दोनों की लोकेशन ट्रेस करके पुलिस हैदराबाद पहुंची और दोनों को पकड़ लिया। पुलिस को यहां पर AIMIM कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि मक्सी निवासी लड़की और शाजापुर के रहने वाले युवक के बीच में 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल युवती को परिजनों को सौंप दिया गया है और प्रेमी को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 16/9/21 की घटना है। आरोपी समीर कस्बा से चोरी करके पर्स एवं 15,000 रूपए नकदी चोरी करके टूर शुदा को लेकर हैदराबाद चला गया था। वहां से वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर पुलिस को और आरोपी को बरामद किया गया। वापस लाकर यहां मसलू का बरामद किया गया। ये एक नजारी